हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 7 जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है, उसमें हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जिसमें हम लोग जानेंगे कि टिश्यू क्या है, टिश्यू के क्या क्या टाइप्स है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। टिश्यू, इसका डिफिनेशन अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर स्पेसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर स्पेसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हम लोगों ने ये सेल पढ़ चुका है जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, और हम लोग ये जानते हैं कि सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो वही सेल जो आपस में जब ग्रुप होता है तो उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। सेल ग्रुप होकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू ग्रुप होकर ऑर्गन बनाता है, और वही दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। और वही ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म के रूप में फॉर्म होता है। वो कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं सेल का, इंटेस्टाइनल सेल जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो इंटेस्टाइनल सेल का जब ग्रुप होगा तो वो इंटेस्टाइनल टिश्यू फॉर्म करेगा, और वही इंटेस्टाइनल टिश्यू क्या बनाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर वही स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर पैनक्रियाज स्टोमक सारा मिलकर क्या बनाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल विल फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज ह्यूमन। ये ह्यूमन भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली हम लोग ह्यूमन के टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। और स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, जिस ब्रांच में हम लोग टिश्यू का स्टडी करते हैं उसे हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अब हिस्टोलॉजी के फादर कौन है, बाइकेट। बाइकेट इज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। और पहला फाइलम कौन है जहां पे टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो वो है सिलेंट्रेटा। हम लोग जानते हैं कि फाइलम जो है स्टार्ट होता है पॉलीफेरा से, जहां पे सिंगल मींस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, और बाद में वो जाके वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आगे आगे फॉर्म करता है। तो पॉलीफेरा के बाद क्या आता है, दूसरा जो फाइलम है वो सिलेंट्रेटा, जिसको सिनेडेरिया भी बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा। तो हाइड्रा से हम लोग को टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ये हो गया कुछ इंट्रोडक्शन टिश्यू का। अब उस टिश्यू के वर्क के अनुसार उसको फर्दर डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हम लोग जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं टिश्यू का, वो एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन है। तो एनिमल टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स में। कौन कौन, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्या है, एपी का मतलब होता है आउटर। तो जो भी कवरिंग होगा, जहां भी प्रोटेक्शन का जरूरत होगा वहां पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। अब हमें प्रोटेक्शन का जरूरत कहाँ होता है, तो हमारा स्किन जो कि मतलब बाहर के धूल मिट्टी ये सब से इसको बचाव की जरूरत है, या इंटरनल ऑर्गन्स जो भी हमारे शरीर में प्रेजेंट है उसको भी ये बचाता है। तो जहां भी प्रोटेक्शन का जरूरत होगा वहां, या प्रोटेक्शन या सिक्रीशन, तो वहां पे कौन सा टिश्यू आएगा, एपिथेलियल टिश्यू फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। तो इसका एग्जाम्पल है क्या, स्किन। स्किन का जो आउटर कवरिंग हुआ या इनर कवरिंग, दोनों में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइनिंग ऑफ ऑर्गन, जो भी ऑर्गन्स हैं उनका जो भी एक्सटर्नल लाइनिंग है या इंटरनल लाइनिंग है, सारे जगह कहां वहां पे कौन सा टिश्यू होगा, तो एपिथेलियल टिश्यू। जैसे अगर हमारा शरीर एक हॉलो लाइक स्ट्रक्चर है, एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आपका ऑर्गन प्रेजेंट है, तो ये जो कवरिंग है आपका, या ये कवरिंग हुआ, या ये कवरिंग हुआ, या ये कवरिंग हुआ, ये सारे क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। मतलब इंटरनल एक्सटर्नल लाइनिंग ऑफ ऑर्गन ऑल
सारे जगह एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। फिर दूसरा टाइप है कनेक्टिव टिश्यू, जैसा नाम इसका है कनेक्टिव टिश्यू, मतलब दो ऑर्गन्स को ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो इसका वर्क क्या है, फॉर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट में ये मदद करेगा। जैसे हम लोग जानते हैं ब्लड जो है हमारे शरीर में, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल के थ्रू क्या करता है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को या वेस्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। या ये इसका ये भी काम है कि डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, जैसे हमारा बोन्स हुआ, लिगामेंट्स हुआ, टेंडन्स हुआ। लिगामेंट्स क्या करता था, बोन को बोन से कनेक्ट करता था, टेंडन बोन टू मसल को कनेक्ट करता था। तो जहां भी कनेक्शन का बात आएगा वहां पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, जैसे ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट्स। अब आपका थर्ड टाइप है मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू। तो ये मसल्स, मतलब यहाँ पे क्या काम होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, क्यों, फॉर मूवमेंट के लिए। जैसे हमारा हार्ट है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है, ताकि वो क्या कर सके, मूवमेंट कर सके, ताकि हम लोग सांस ले सके। और फिर लंग्स है, लंग्स में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां पे ऑक्सीजन वो कैरी करता है और CO2 को एक्सपोर्ट करता है, तो वहां भी मस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट होगा। ये वॉल्स ऑफ हर्ट, हर्ट के वॉल्स में प्रेजेंट होगा। आईरिस ऑफ आई, क्योंकि हम लोग जानते हैं आईरिस हमारा जो आई का पार्ट है वो मूव करता है। फिर ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, और लंग्स में जो भी एक्सचेंज होता है गैसेस का वो कहाँ होता है, उसके ब्रोंकाई में होता है, तो वहां भी ये प्रेजेंट होगा। यूटरस में भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि वहां भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जरूरत पड़ता है। और आपका है लास्ट बट नॉट द लीस्ट नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब इसका काम क्या है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट करता है, ताकि जो भी मैसेज है वो नर्व के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में जाए, या हमें कभी भी चोट लगता है, हम लोग कभी गिर जाते हैं, चोट लगता है तो हमें सेंसेशन होता है कि नहीं यहाँ पे चोट लगा है। वो कैसे होता है, क्योंकि ब्रेन जो है उसको एक जगह से दूसरे जगह उसके मैसेज को पहुंचाता है बाय द हेल्प ऑफ नर्व्स। तो ये नर्वस टिश्यू है, इसका एग्जांपल है नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ये आज हम लोगों ने टिश्यू का इंट्रोडक्शन देखा, और टिश्यू कितने भाग में डिवाइडेड है, और इसका एग्जांपल क्या क्या है, और इसका वर्क क्या क्या है, आज हम लोगों ने वो देखा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।